नाम है पुलिस बाजार। सबसे पॉपुलर मार्केट जो शिलोंग की है, तो इस गली में चलते हैं। सबसे पहले सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, आईफोन स्टोर, यहाँ लॉटरी सिस्टम बहुत ज्यादा, लॉलीपॉप, पिज्जा हट वहाँ पे, KFC है, रिलायंस डिजिटल है, और हमें नजर आया वो कैफे, नजारे ले रहे हैं बारिश के, रात को 8 बजे सब खाना पीना बंद हो जाएगा। और चेरापूंजी और कैसे जाने वाले। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, एक और हमारा दिन, और अब हम करने वाले चेकआउट। हम जा रहे हैं यहाँ से शिलोंग से चेरापूंजी, शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे एक अंजलि चौक है जहाँ से शेयरिंग टैक्सी चलती हैं। क्या चार्जेस रहेंगे, कितने रहेंगे, ये हमें भी मालूम, जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे अपडेट करते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भैया, रील्स फोटो वगैरह आती रहती है वहाँ पे, तो फॉलो कर लिया करो भाई, और नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो निकल रहे अपने सफर पे, होटल का रूम विजिट करा चुके हैं, कितने का मिला, कैसा है, ये सारी डिटेल लास्ट ब्लॉग में आप चेक कर सकते हो। वी आर रेडी नाउ, क्योंकि बारिश भी हो रही है, रास्ते भी कुछ ऐसे ही हैं, तो देखेंगे कैसे क्या बनती है बात। जो भी होगा, जैसे भी होगा, आपको पता चल जाएगा। ये मुश्किलों में आप लोगों का साथ चाहिए। निकल चुके हैं होटल से, और बारिश का मौसम हो रखा है, बारिश ना हो बस, बारिश होगी तो हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। हैं, हो रही है, लो मैं तो कह रहा हूँ बारिश ना हो, यहाँ रिमझिम हो रही है, कर लो बात। सड़कें ऊँची नीची हैं, पहले हम सोचे चप्पल पहन लें, पर यहाँ थोड़ा रिस्की मामला है चप्पल पहनने का। ऊपर वाले से दुआ करो कि हमारा ट्रिप सही हो। वैसे जब तक वीडियो देखोगे तब तक हमारा ट्रिप हो चुका होगा, फिर भी दुआ कर लो यार हमारे चैनल के लिए कि मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा ग्रोथ मिल जाए। लग रही है भूख, और अंजलि बस स्टॉप जाना है, पहले कुछ खाने को ले लें। हम आ गए दोबारा से खाने, भूख लग रही थी तो हमने कुछ खाया नहीं है, हमने ले लिया समोसा। ये जगह का नाम क्या, ये जगह कौन सी है? लोवा लक्ष्मिया, ये चौक है कोई। यहाँ से खा के भी निकलेंगे आगे, और कुछ ले भी लेंगे, क्योंकि रात को हम अक्सर भूखे रह जाते हैं। तो भाई ये बेकरी बढ़िया थी, सस्ता सस्ता सामान खाया, तो खाया ब्रेकफास्ट हो गया, और साथ ही पैक भी करा लिया, क्योंकि रात को हम भूखे सोए थे, मतलब खाने को मिला नहीं था इतना अच्छा। यहाँ से आ रहे हैं, अंजलि चौक है कोई, अंजलि बस स्टॉप, चौक बस स्टॉप सेम ही है मतलब, और वहाँ से हमें मिल जाएगी शेयरिंग गाड़ी जो कि हमें ले जाएगी चेरापूंजी। चलिए, थोड़ा तो पेट पूजा भी हो गई है, बस अब चाय वगैरह कुछ पीनी है। हमारा बंदा गायब हो गया, मैं पूछा बंदा कहाँ है, वो देखो उधर है। I feel nauseous, believe me. तो आज आ गए हम अंजलि बस स्टैंड है, यहाँ से बस मिलेगी हमें चेरापूंजी के लिए, तो वो पीछे स्टैंड है, अंदर शायद बस टैक्सी जो भी कुछ है मिलता है। शुक्र है यहाँ पे शेयरिंग गाड़ियाँ चलती हैं, अदरवाइज इसकी बातों में आता तो लग जाती। 1.25 किलोमीटर था, और कह रहे पैदल चलते हैं पैदल, मैं कहा सुबह सुबह लगवा देगा, सिर्फ 60 रुपये उसने लिए हमें ड्रॉप करने के लिए। देखते हैं कहाँ से कौन सी गाड़ी जाएगी। तो यहाँ पे लॉटरी शॉप्स बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, तो अभी ये कह रहे ऊपर से टैक्सी मिलती है शेयरिंग वाली, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, अंधेरा सा आ रहा है, इस साइड ठीक है, उस साइड से अंधेरा आ रहा है, ऊपर जाना है। ये डबल स्टोरी बना हुआ है ये स्टैंड। कहाँ से मिलने वाली गाड़ी हमें चेरापूंजी के लिए भैया? चेरापूंजी के लिए कहाँ से मिलेगा? कराया 150 कराया यहाँ से चेरापूंजी का। फिलहाल ये छोटी गाड़ी के 200 मांग रहे हैं, सुमो के 150 है। चलो रखवा सामान पे, फिलहाल अपना सामान रखवा रहे, क्योंकि हमें सुमो में एक टेंशन और थी, अब यहाँ हो रही है बारिश, आगे भी और बारिश होगी तो हमारा सामान भीग सकता है, तो भैया सामान भिगाने की बजाय 50 रुपये एक्स्ट्रा देते ज़्यादा बैठ जाएगा। कुछ कहना है? मैंने तो आगे की सीट घेर ली है। चंदा भैया नाराज होकर बैठे हुए हैं, शायद आइयो आगे बैठते हैं, अंधेरे में चश्मा लगा घूम रहा है, रख मैं चश्मा लगा रहा, जिसको मेरे को चश्मा लगाने की इतनी आदत धूप में, पर धूप नहीं है तो इसलिए लगा नहीं। सो फाइनली भैया हमारा सफर स्टार्ट हो गया, सवारियां हो गई हमारी पूरी, और भैया लेके जा रहे हैं। भैया नाम क्या अपना? बादू। हाँ बादू। कितनी देर लगी हमें यहाँ से जाने में? 2 घंटा। हमें 2 घंटा लगेगा, पर एक बैड न्यूज़ सुनने में आ रही है कि जहाँ चेरापूंजी हम जा रहे हैं वहाँ पे दुनिया भर की बारिश हो रही है, पता नहीं हमारा क्या होने वाला यार। ये सच बताऊँ तो थोड़ा सा टेंशन हो रही है, क्योंकि हमारे पास सामान है, ऊपर से हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं है, सामान भी महंगा महंगा सामान है भैया, क्या करें समझ नहीं आ रहा। थोड़ा शिलोंग के बारे में आपको बता दूं, काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आपका स्टे करना बनता है 2 से 3 नाइट का कम से कम, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ घूमने के। यहाँ की जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर 70% से ज़्यादा यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, ज़्यादातर आपको चर्चेज यहाँ नजर आ जाएंगी। पर एक चीज़ देखिए, यहाँ के यंगस्टर जो है ना बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। फिलहाल तो हम इसको कर रहे हैं बाय बाय। ये गुवाहाटी आसाम से अराउंड 110 किलोमीटर पड़ता है, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं चेरापूंजी, जो यहाँ से अराउंड 65 किलोमीटर है। अंजलि बस स्टैंड है, वहाँ से आपको इजीली बस टैक्सी सुमो शेयरिंग पे प्राइवेटली मिल जाती है, अलग अलग चार्जेस हैं। सुमो 150 लेती है, छोटी गाड़ी आपका 200 लेती है, अगर आपको प्राइवेट करके जाना है तो अराउंड 800 रुपये लेती है, बार्गेनिंग कर लेना अगर आप अकेले 2 या 3 लोग हो तो अच्छा है आपके लिए। उसके अलावा बस जाती है, पर बस हाल फिलहाल कोरोना करके शायद नहीं जा रही। जब चेरापूंजी पहुंच जाओगे तो वहाँ घूमने के काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, पर उसके लिए आपके पास कन्वेंस होना मस्ट है, अदरवाइज आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ जाके देखेंगे क्या ऑप्शन है हमारे पास, वरना ज़्यादातर हम लोगों को देख रहे हैं, या मेरे माइंड में भी था कि
हम बाइक ले लें। बाइक हम यहाँ से भी रेंट पे लेके जा सकते थे, पर क्योंकि हमने आगे ट्रैवल करना है, उससे आगे निकल जाना है, अगर हम यहाँ से बाइक लेते तो हमें वापसी आना पड़ता बाइक देने के लिए, तो जो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम चेरापूंजी से बाइक लेंगे या कुछ कन्वेंस लेंगे, वहाँ घूमेंगे और वहीं पे वहीं वो कन्वेंस वापसी करेंगे। Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. ये ऊपर टी गार्डन से सारे, तो बेसिकली अगर आपके पास प्राइवेट टैक्सी वगैरह है तो आप रुक के आराम से ऊपर जा सकते हो। Anything in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. ये जो विलेज कहते हैं एशिया क्लीनेस्ट विलेज, उसके लिए रास्ता यहाँ से लेफ्ट कटता है, पर हमें लेफ्ट से जाना है, हमें चेरापूंजी के लिए राइट जाना है, तो ये जाता है रास्ता ऊपर। अगर आप जा रहे हो अपने उससे व्हीकल से आ रहे हो तो आप यहाँ जा सकते हो। तो गाइस स्टॉपेज हुआ है हमारा, माउंट चौराहू करके विलेज है, और मेरा चाय पीने का मन था तो 20 मिनट का स्टॉपेज लिया है। ठंडी ठंडी है भैया, गर्म कपड़े लेने पड़ेंगे, तो छाता भी लेना पड़ेगा। हम चाय पीने का विचार बना रहे हैं, सुबह ब्रेड्स वगैरह तो खा ली थी पर चाय नहीं पीती। ये चाय मिल जाएगी, मौसम अच्छा है, बारिश का, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सब पैक हो रखे हैं, हम ही हैं जो ऐसे लंडरों के तरह घूम रहे हैं। शुक्र करो पूरी पूरी टी शर्टें पहन रखी है, नीचे से शॉर्ट है। लग रही है नहीं लग रही? लग रही है, इसको ठंडी लग रही है। गोल्ड मैन है, ओ आयरन मैन सॉरी, गोल्ड मैन। तो बाकी सब बढ़िया है, अच्छा है यार, अच्छा व्यू है, अच्छी जगह है, तो फील करते हुए जाने का मजा कुछ हो रहा है। प्राइवेट देखो टैक्सी हो गई, रास्ते में रुकी, चाय पीने के लिए रुक गए, तो ये फ़ायदा होता है टैक्सी करके जाने का। अगर यही सुमो होती तो उसमें 10 लोग होते हैं तो शायद वो रोकता ही नहीं, भगाता हुआ ले जाता। सामान भी हमारा सेफ है, अंदर पीछे डिक्की में पड़ा हुआ है, वरना वो ऊपर पड़ा होता और भीग रहा होता, लगातार बारिश हो रही है। तो मुझे ये कुछ उनका लोकल फूड है, मुझे नहीं पता, देखते हैं चाय के साथ ट्राई करेंगे है क्या क्या। ये आइडिया में ये भी कुछ है और कुछ है, तो आगे चाय अपनी ठीक है। तो सफ़र में ना चाय पीनी जरूरी होती है, सर दर्द नहीं होता, तो पता नहीं कहाँ शॉप पे चले गए सामने, आवाज़ें दे रहा हूँ, चाय ठंडी हो जाएगी उसकी। अरे चाय ठंडी हो जाएगी भाई, आ जा। ये सिर्फ 10 रुपये का कप था, बढ़िया थी चाय। और यहाँ ATM वगैरह नहीं है, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, नेटवर्क भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है जियो का, यार जियो का फ़ोन है अपना। मैंने चंद्र भैया को कर दिया शिफ्ट आगे और मैं आगे पीछे थोड़ी देर सोम मैं आराम से। तो भैया हमने टैक्सी फिर रुकवा ली है और जगह एक नंबर। रास्ते में एक ब्रिज पड़ता है जो कि व्यू पॉइंट भी कहलाता है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ से जो नज़ारे आप देख रहे हो मेरे पीछे, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, बेहतरीन, मतलब जवाब नहीं है। मेघालय का मतलब ही मेघ होता है, मेघ यानी बादल, और ये बादलों से घिरा हुआ है, ये बादल बुला रहे हैं। नीचे भी एक मंदिर है, आप नीचे जाएंगे ना, वाटरफॉल है, तो बहुत ही खूबसूरत है। वाटरफॉल तो यहाँ जगह जगह होते हैं, जैसे बारिश होती है कितने वाटरफॉल होते हैं यहाँ पूछो बस। सो गाइस यहाँ पीछे देखोगे दुनिया भर के टूरिस्ट वगैरह जो आ रखे हैं, टैक्सी वगैरह रोक के खड़े फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं, तो हमने भी खिंचवा ली और चलो बस चलते हैं, निकलते हैं। जिस जगह हम रुके थे इसका नाम है मॉकू डॉग, नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है पर आदत हो जाएगी, लोगों से पूछेंगे बार बार। मॉकू डॉग जगह पड़ती है इन बिटवीन जब आप जा रहे होते चेरापूंजी, ऐसा पॉइंट हो गए हैं, पर बारिश ने तो यहाँ हंगामे मचा रखे हैं। गाड़ी भी जहाँ खड़ी है वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा बारिश है, देख रहे हो, देख रहे हो बारिश का बुरा हाल है। ये तो उतर के कैसे कैसे करके हम कहाँ जाएँ, हमारा सामान भी है। भैया बारिश हो रही है और हम तो उतर गए, तो इस जगह देखते हैं कहीं रुकें और क्या हिसाब तक बैठता है, कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, वही तो शेड वाली जगह जाना पड़ेगा पहले। तो भैया हम लोग पहुँच गए हैं चेरापूंजी और यहाँ पर हालात देख रहे हो पीछे कैसे हैं, पूरा मौसम बारिश बारिश हो रखी है। और यहाँ एक कैफ़े है तो यहीं रुकते हैं, फिर करते हैं देखते हैं कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। इतनी देर से उस बंदे को कह रहा था ड्राइवर को कि ऐसी जगह पर रोक दे जहाँ पे कुछ हो, तो बता ही नहीं रहा था यहाँ कैफ़े है। चलो मैं तो पीछे जाकर सो गया था, उसके बाद के नज़ारे इसने लिए हैं। 2:43 हो चुके हैं, कुछ नहीं पता हमारा कहाँ जाने वाले हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ रूम भी है तो रूम देखने जा रहा हूँ ऊपर कैसा है, तो मे बी शायद रीज़नेबल हो, क्योंकि आपको पता है बजट ही ट्रैवल कर रहे हैं, महंगा महंगा रुकना होता तो भैया हम प्राइवेट टैक्सी करके घूम रहे होते हैं। पर आस पास सारी धुंध हो रखी है और कुछ इस तरह से रूम है, देखते हैं। ये रूम है, ओके, ये इनका टॉयलेट है, पानी गर्म आता है, तो ये इस तरह से है, ऊपर टेरिस है। अभी प्राइस की बात करते हैं, ये 1000 कह रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक बात बनती है। फ़ोन का नेटवर्क का भी इशू है या फ़ोन का नेटवर्क भी अच्छी तरह नहीं आ रहा है जियो का, खासकर बाकियों का मुझे मालूम नहीं आता है नहीं आता है। रूम ठीक है, थोड़ा छोटा है, बाकी करते हैं बात क्या कहते हैं। बेचारा बारिश में भीग के ये भी यहाँ बैठा है ठंड में, हमें लगता है कुछ ठंड के कपड़े खरीदने पड़ेंगे। भाई कुछ नहीं लेके आए मैं, बस एक पूरी बाजू की टी शर्ट ले आया था और एक विंड शीटर ज़रूर है, पर वो विंड शीटर इतनी बुरी है, झोला है, लटकती है भाई, बहुत बुरी है। तो अभी हमने कुछ फाइनल भी नहीं करा और आसपास देखा भी नहीं, एक्सप्लोर भी नहीं करा, आसपास सिटी तो है पर देखते हैं यार कहाँ क्या बात बनेगी। 800
चलो हमारे 800 में हमारा रूम फाइनल हो गया है, तो चलो रूम में बैठते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, फिर बात करते हैं। ठंडी हवा के साथ साथ बारिश भी आ रही है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ पे, हवा बहुत तेज़ आ रही है, तो देखते हैं अभी थोड़ा चेंज वेंज करते हैं, बारिश रुकती है तो फिर प्लान करते हैं कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे जाना है। सो अच्छा है फिलहाल, लाइटिंग वाइटिंग खूब बढ़िया सी है, छोटा सा रूम है पर अच्छा क्लीन है। तो ये यहाँ से विंडो है और ये हमारा रूम है, छत पे है, छत का व्यू और मजेदार है, यहाँ उड़ेगा ड्रोन, ड्रोन मजेदार होगा। बारिश हो रही है भाई, मैं तो नीचे जा रहा हूँ, मेरे को भीगना नहीं है। तो गाइस हम जब से आए हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गए 1.5-2 घंटे बैठे अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार बारिश हो जा रही है, तो समझ नहीं आ रहा यार हमारा क्या होने वाला है। बाहर देखो कितना जबरदस्त मौसम है और यहाँ इंटरनेट का भी इशू है, नेटवर्क इतने अच्छे आ नहीं रहे, तो अगर ब्लॉग एडिट भी हो जाएगा तो अपलोड होने में बड़ी दिक्कत है। यहाँ घूमेंगे कहाँ कैसे समझ नहीं आ रहा, यहाँ बहुत सारे फॉल्स हैं, एशिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर है, क्लीनेस्ट विलेज है, बहुत सारी केव्स हैं, पर ऐसी बारिश में तो कहीं भी नहीं जा पाएंगे और ऊपर से हमारे पास ठंड वाले कपड़े भी नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला हमारे साथ। इंतजार करते हैं बारिश रुकेगी फिर कुछ करते हैं। एक चीज़ अच्छी है बस, किसी होटल में इनके नीचे रेस्टोरेंट है, खाने खोने को मिल जाएगा। A few moments later. तो भैया हम तो इंतजार कर कर थक चुके हैं, बारिश बंद नहीं हो रही, तो आप भी इन फ्यूचर में ट्रैवल करने वाले, मे बी हमारे व्लॉग्स हमारी वीडियोस के थ्रू आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और अगर कोई बात भूल जाए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो भैया शेयर कर सकते हो, और नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं कि भैया हमारे साथ क्या होने वाला है, हम कहाँ जाने वाले हैं, चेरापूंजी पहुँच गए हैं, घूम पाएंगे नहीं घूम पाएंगे, घूमेंगे तो कैसे घूमेंगे अगर ऐसी बारिश रहेगी। तो भैया बने रहिएगा, बाय बाय गाइस, मिलते हैं, बाय बाय। But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me.